ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ईसीडी नंबर 561, क्लैरिफाइड ऑन 26 नवंबर 2006 एट टीपीजी, आंध्र प्रदेश। आज का प्रातः क्लास है 3 जून 1967। ओम शांति। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 3 जून 1967। रिकॉर्ड चला है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। द रिकॉर्ड प्लेड इज टेक अस समवेयर फार फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ सिंस। रूहानी बच्चों ने अर्थ समझा। द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन अंडरस्टूड द मीनिंग। क्या समझा? वॉट डिड दे अंडरस्टैंड? ये पाप की दुनिया है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ सिंस। इस पाप की दुनिया में हम पापियों के बीच पाप करते करते थक गए। We have grown tired of committing sins continuously while living among the sinful people in this world of sins. अब हे परमात्मा बाप, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चल। Now, O Supreme Soul Father, take me somewhere far from here. दुनिया में तो कोई इन बातों का अर्थ नहीं समझते। Nobody in the world understands the meaning of these things. बच्चे जानते हैं कि हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। चिल्ड्रन नो अवर सोल हैज लव फॉर द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। द सोल कॉल इट्स फादर द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल। प्यार आत्मा में होता है। यू हैव लव फॉर द सोल। शरीर में तो प्यार होता नहीं। यू सर्टेनली डोंट हैव लव फॉर द बॉडी। शरीर तो मिट्टी है। बॉडी इज सॉइल। शरीर पुतला है। इस पुतले से प्यार नहीं, क्योंकि पुतला विनाशी है। इट इज अ स्टैच्यू। यू डोंट हैव लव फॉर द स्टैच्यू बिकॉज द स्टैच्यू इज पेरिशेबल। आत्मा अविनाशी है व्हाइल द सोल इज इम्पेरिशेबल। और हम अविनाशी आत्मा का प्यार भी अविनाशी है। एंड द लव ऑफ वी इम्पेरिशेबल सोल्स इज ऑल्सो इम्पेरिशेबल। अभी बाप सिखाते हैं कि हमारा प्यार आत्मा में होना चाहिए। नाउ द फादर टीचेस अस वी शुड हैव लव फॉर द सोल। आत्मा का प्यार अनेक जन्मों तक अविनाशी रहेगा। द लव फॉर द सोल विल रिमेन इम्पेरिशेबल फॉर मेनी बर्थ्स। और देह का प्यार इसी जन्म में खलास होने वाला है। एंड द लव फॉर द बॉडी इज गोइंग टू एंड इन दिस बर्थ इटसेल्फ। क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा। बिकॉज द बॉडी विल डेफिनेटली पेरिश। प्यार आत्मा से। यू हैव लव फॉर द सोल। अभी बाप सिखाते हैं कि तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना है। Now the father teaches, you have to have love for the Supreme Soul Father. Abhi hua nahi hai. You don't have it now. Shariron se pyar nahi. You shouldn't have love for the bodies. Aur atma hi apne baap ko pukarti hai. And the soul itself calls its father.
कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में हमको ले चलो, सेइंग टेक मी टू द वर्ल्ड ऑफ नोबल सोल्स, पाप आत्माओं की दुनिया से हमारी आत्मा थक चुकी है, माई सोल हैज ग्रोन टायर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ सिंफुल सोल्स, इस दुनिया में यहाँ पर सब है पाप आत्माएं, एवरीवन इज अ सिंफुल सोल इन दिस वर्ल्ड हियर, पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा हो न सके, देयर कांट बी इवन अ सिंगल नोबल सोल इन द वर्ल्ड ऑफ सिंफुल सोल्स, पाप आत्माएं अपने परमात्मा पाप को समझती नहीं है, द सिंफुल सोल्स डोंट अंडरस्टैंड देयर सुप्रीम सोल फादर, तुम अभी समझते हो कि हम भी पाप आत्मा थे, नाउ यू अंडरस्टैंड वी टू वर सिंफुल सोल्स, अभी फिर हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, नाउ वी आर बिकमिंग नोबल सोल्स अगेन, बाप तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बनाते हैं, द फादर मेक्स यू अ नोबल सोल टैक्टफुली, बाप पुण्य आत्मा बनावे तो बच्चों को अनुभव हो कि हम अपने बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे, इट इज व्हेन द फादर मेक्स देम इनटू अ नोबल सोल दैट द चिल्ड्रन विल एक्सपीरियंस वी आर बिकमिंग प्योर नोबल सोल्स थ्रू अवर फादर बाय हिज रिमेम्बरेंस, योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं, अवर सिंस आर बींग बर्न टू एशेस थ्रू द पावर ऑफ योग, बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोने जाने की यहाँ बात नहीं है, एज फॉर द रेस्ट हियर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू द गैंजेस एटसेट्रा टू वॉश योर सिंस, वो तो जरा नदियों में स्नान करने जाते हैं, पीपल गो टू बेद इन द इनर रिवर्स, यहाँ जरा नदियों की बात नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनर रिवर्स हियर, यहाँ तो है तो चैतन्य आत्मा, देयर आर सर्टनली लिविंग सोल्स हियर, लेकिन कोई कोई जड़त्व बुद्धि वाली है, बट सम हैव एन इनर इंटेलेक्ट, तो उनकी बुद्धि में जल्दी बात बैठती नहीं है, सो द पॉइंट डजंट सिट इन द इंटेलेक्ट सून, मनुष्य जाकर के गंगा स्नान करते हैं, पीपल गो एंड बेड इन द गैंजेस, मैल उतरती है शरीर की, डर्ट ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड, परंतु शरीर की मैल उतरने से कोई पाप नहीं धुलते, बट सिंस आई एम डिस्ट्रॉयड बाय द रिमूवल ऑफ द डर्ट ऑफ द बॉडी, आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते, द सिंस ऑफ द सोल आर डिस्ट्रॉयड ओनली थ्रू योग बल, खाद निकलती है, द इम्प्यूरिटीज आर रिमूव, ये तुम बच्चों को पता है, यू चिल्ड्रन नो इट, और निश्चय भी है, एंड यू ऑल्सो हैव फेथ कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे, इफ वी रिमेम्बर बाबा अवर सिंस विल बी बर्न टू एशेस, अगर निश्चय है तो पुरुषार्थ करना चाहिए, इफ यू हैव फेथ यू शुड मेक पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ में माया बहुत बिघन डालती है, माया क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन दिस पुरुषार्थ, जो जो पुरुषार्थ में रुस्तम बनते हैं, ऑल दोज हु बिकम ब्रेव इन मेकिंग पुरुषार्थ, माया उनसे रुस्तम बन के लड़ती है, माया फाइट्स देम ब्रेवली, और कच्चे बच्चों से क्या लड़ाई लड़ेगी, व्हाई विल शी फाइट अगेंस्ट द वीक चिल्ड्रन, तो बच्चों को हमेशा यही ख्याल रखना है, सो चिल्ड्रन शुड ऑलवेज थिंक कि हमको माया जीत जगत जीत बनना है, वी हैव टू बिकम माया जीत हेंस जगत जीत, माया जीत मीन्स विक्टोरियस ओवर माया, माया जीत जगत जीत का अर्थ कोई समझते नहीं है, नोबडी अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ माया जीत हेंस जगत जीत, जितना जितना माया जीत बनते जावेंगे उतना उतना जगत जीत बनते जावेंगे, यू विल बिकम जगत जीत टू द एक्सटेंट यू बिकम माया जीत, अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम कैसे माया पर जीत पाते हो,
Now you children are explained how you gain victory over Maya. क्योंकि माया भी तो समर्थ है ना। It is because Maya is also powerful, isn't she? बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। The father is powerful and Maya is also powerful. परंतु तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। But you children have found the master. इस उस्ताद को भी कोई नंबरवार बिरले बच्चे जानते हैं। Some number wise rare children know this master as well. जो जानते हैं उनको खुशी होती है। Those who know him become happy. और जो नहीं जानते हैं वो माया के प्रभाव में आने के कारण बीच बीच में दुखी होती रहती। And those who don't know him keep becoming sorrowful time and again due to coming under the influence of Maya. तो याद बहुत करना है। So, you should remember the father a lot. अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। Many people go to Amarnath. अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व पर शांति कैसे हो? Now all human beings ask, how will there be peace in the world? तुम सबको सिद्ध करके बतलाओ। Prove it and tell everyone. कि सतयुग में कैसे सुख था, कैसे शांति थी? How there was happiness and peace in the golden age? और सतयुग में सारे विश्व में शांति थी। And there was peace in the entire world in the golden age. दूसरा कोई धर्म नहीं था। There was no other religion. द्वैतवाद ही नहीं था। There wasn't dualism at all. दूसरी मत नहीं थी, दूसरी भाषा नहीं थी। There wasn't other opinion, other language. तो सतयुग में सुख था। So there was happiness in the golden age. आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सत्य का युग था। There was the age of truth 5000 years ago. सत्य को चक्कर तो जरूर लगाना है। चित्रों से तो बिल्कुल क्लियर बताई देती हूँ। Then the world certainly has to pass through the cycle. You tell it very clearly through the pictures. कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। You had prepared such pictures kalpa ago too. और दिन प्रतिदिन तुम्हारी इन चित्रों में improvement होती जाएगी। And there will be improvement in these pictures of yours day by day. कई बच्चे चित्रों में तिथि तारीख आदि लगाना भूल जाते हैं। Many children forget to mention date etc. in the pictures. लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। The date should certainly be mentioned in the picture of Lakshmi Narayan. तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। It has sat in the intellect of you children. ये हम स्वर्गवासी थे। We were the residents of heaven. अभी फिर नरकवासी बने। Now we have become the residents of hell. और तुम्हें निश्चय है कि हम अभी फिर स्वर्गवासी बनेंगे। And you have faith that now you will become the residents of heaven again. प्रदर्शनी में भी ये समझावे। You should also explain it in the exhibition. कि दुनिया के और कोई खंड में स्वर्ग नहीं था। That heaven didn't exist in any other continent of the world. सिर्फ भारत में ही स्वर्ग था। Heaven existed only in Bharat. अभी बच्चे सर्विस पर गए हैं। Now the children have gone for service. अमरनाथ पर जाते हैं। Those who go to Amarnath. उनको भी यही समझाना है कि ये भक्ति मार्ग है। You should explain this to them too. This is the path of bhakti. यहाँ तो मैं पहाड़ों पर चढ़ते हो। Here you climb the mountains. पत्थरों में माथा टेकते हो। Bob your head on stones. ये कोई पहाड़ों पर चढ़ने की बात नहीं है। इट इजंट अबाउट क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं
When God the Father comes to this world, तो तुम्हारे बुद्ध रूपी पांव को ऊपर चढ़ाना सिखाते हैं। He teaches you to raise your foot like intellect high. बुद्धि तुम्हारी ऊपर चढ़ती है। Your intellect rises high. ऐसा धरने की ओर तुम्हारी बुद्धि नहीं जाती है। It doesn't go towards this earth. इन स्थूल यात्राओं से तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। No result comes out through these physical journeys. तुम्हारी तो बुद्धियों की यात्रा है। Yours is the journey of the connection of the intellect. ये बुद्धियों की यात्रा से तुम बहुत ऊंची स्टेज में चले जाते हो। You reach a very high stage through this journey of the connection of the intellect. भारत में गायन भी है। There is also a saying in Bharat. के ब्लाइंड फेथ की पूजा करते हैं। पीपल वर्शिप आउट ऑफ ब्लाइंड फेथ। देवताओं की पूजा करते हैं व कोई की भी पूजा करते हैं। वेदर दे वर्शिप द डेटीज और एनीबडी एल्स तो अंधश्रद्धा से करते हैं। दे डू इट आउट ऑफ ब्लाइंड फेथ। श्रद्धा विश्वास अलग चीज है और अंधश्रद्धा अंधविश्वास अलग चीज है। Having faith and veneration is a different thing, and having blind faith and superstition is a different thing. समझते तो कुछ भी नहीं है। They just don't understand anything. जानते नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं। They don't know who they worship. इनका occupation क्या है? What their occupation is. तो ऐसी पूजा से फिर हमें क्या मिलेगा? Then what will you attain through such worship? कोई सत्संग में जाते हैं, वेद शास्त्र सुनते हैं। Some people go to satsang, listen to Vedas and scriptures. फिर उससे रिजल्ट क्या निकलता है? ये सब अंधश्रद्धा हो गई। Then what result comes out from it? All this is blind faith. आस तो बहुत लगाते हैं, परंतु मिलता क्या है? कुछ भी पता नहीं। दे डू होप अ लॉट बट नो नथिंग एज टू व्हाट दे अटेन। अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग डाके उतरने गए थे। नाउ यू अंडरस्टैंड यू वेंट ऑन द पाथ ऑफ भक्ति टू डिसेंड द लैडर। और ये भक्ति मार्ग के शास्त्र वृद्धि को पाते ही रहते हैं। And the number of these scriptures of the path of bhakti certainly keep multiplying. कितने ढेर शास्त्र पढ़े, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। You read so many scriptures, but to no use. और पढ़ने वालों को, सुनने वालों को अहंकार कितना हो जाता है। And those who read and listen to them have so much ego. समझते हम तो शास्त्रों की अथॉरिटी है। They think I am the authority of scriptures. वास्तव में वो सब है अंधश्रद्धा की भक्ति की अथॉरिटी। In reality, all of them are the authority of blind faith of bhakti. और तुम हो ज्ञान की अथॉरिटी। And you are the authority of knowledge. ज्ञान एक बाप से आता है। Knowledge comes from the one father. और भक्ति अनेक गुरुओं से आती है। And bhakti comes from many gurus. Anekata gadde mein le jaati hai. Diversity takes you into pit. Aur ekata se tum unche uthte ho. While you rise high through unity. Baap dada dara tum gyan ki authority ban jaate ho. You become the authority of knowledge through baap dada. Abhi tum jante ho. Now you know, ये भक्ति मुर्दाबाद होने जा रही है। This bhakti is going to become मुर्दाबाद। खलास हो जाएगी। It will come to an end। ज्ञान की प्रारब्ध मिलेगी दो युगों में। You will attain the reward of knowledge in two ages। वहाँ भक्ति नहीं होगी। There won't be भक्ति there। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है।
लेटर ऑन भक्ति गोज ऑन फॉर हाफ अ कल्पा. ये भी तुम बच्चों को समझ में आ गया है? यू चिल्ड्रन हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है. दैट द किंगडम ऑफ रावण बिगिंस आफ्टर हाफ अ कल्पा. आधा कल्प राम राज्य चलता है. द किंगडम ऑफ राम गोज ऑन फॉर हाफ अ कल्पा. सारा खेल तुम भारतवासियों के ऊपर बना हुआ है. द एंटायर प्ले इज बेस्ड ऑन यू भारतवासीज. विदेशी तो बाद में आते हैं. फॉरिनर्स कम लेटर ऑन. उनके ऊपर सारा खेल नहीं बना हुआ है. द एंटायर प्ले इजंट बेस्ड ऑन देम. तुम स्वर्ग में भी जाते हो तो नरक में भी जाते हो. यू गो टू हेवन एज वेल एज हेल. तो 84 का चक्र भारत में है. सो द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स एग्जिस्ट्स इन भारत. विदेशी लोग तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं. फॉरिनर्स जस्ट डोंट बिलीव इन रीबर्थ. वास्तव में भारत अविनाशी खंड है. इन रियलिटी भारत इज एन इम्पेरिशेबल लैंड. क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं. बिकॉज गॉड कम्स ओनली इन भारत. दूसरे धर्म खंडों में भगवान तो आते नहीं. गॉड सर्टनली डजंट कम इन द अदर रिलीजियस लैंड्स. ये बात भी तुमको आगे पता नहीं थी. यू डिडंट नो इवन दिस इन द बिगिनिंग. ये भगवान भारत में कैसे आता है? हाउ गॉड कम्स इन भारत. हम भी जैसे कि उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए पड़े. यू टू आर हैंगिंग अपसाइड डाउन लाइक एन आउल. दैट इज बैड. अभी हम अल्लाह के बच्चे ऊंची स्टेज में जाने वाले हैं. वी द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह आर गोइंग टू गो इन हाई स्टेज नाउ. लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहा जाता है. लक्ष्मी नारायण आर कॉल्ड गॉड गॉडेस. उनका कितना ऊंच पद है. दे हैव सच अ हाई पोजिशन. और उनकी पढ़ाई कितनी सहज है. एंड देयर स्टडी इज सो इजी. ये 84 का चक्र पूरा करके फिर हम सब शांति धाम वापस जाएंगे. All of us will return to the abode of peace after completing this cycle of 84 births. 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर में चली जाती है. The intellect goes upwards by saying the cycle of 84 births. अभी तुम मूल वतन को भी जान गए हो, सूक्ष्म वतन को भी जान गए हो और स्थूल वतन को भी जान गए. Now you have known the supreme abode, the subtle world as well as the corporeal world. आगे नहीं जानते थे. यू डिडंट नो अर्लियर कि आत्मा स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन होती हुई कैसे मूल वतन में प्रवेश करती है. हाउ द सोल एंटर्स द सुप्रीम अबोड फ्रॉम द कॉर्पोरियल वर्ल्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द सटल वर्ल्ड. अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है. इट हैज सेट इन योर इंटेलेक्ट नाउ. ये साकार दुनिया है. This is the corporeal world. साकार शरीर है, साकार संबंधी है. The corporeal body and there are corporeal relatives here. इन सब से बुद्धियों को तोड़ करके ज्ञान में मनन चिंतन मंथन करने वाला, नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगाने वाला सूक्ष्म लोक में विचरण करता है. द वन हु ब्रेक्स द कनेक्शन ऑफ हिज इंटेलेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, हु थिंक्स एंड चर्न्स द नॉलेज, हु एंगेजेस हिज इंटेलेक्ट इन द प्लानिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड, ड्वेल्स इन द सटल वर्ल्ड. तो तुम सूक्ष्म लोकवासी कहे जाते हो. सो यू आर कॉल्ड द रेसिडेंट्स ऑफ द सटल वर्ल्ड. मनन चिंतन मंथन करते करते बुद्धि की अति सूक्ष्म जब स्टेज बन जाती है. When the intellect attains an extremely subtle stage by thinking and churning continuously, तो तुम बीज रूपी स्टेज में आसानी से टिक जाते हो. You become stable in the seed form stage easily. ये तुम्हारा मूल वतन है जहाँ तुम मूल स्टेज में टिके रहते हो. This is your soul world, that is मूल वतन,
वेर यू स्टे स्टेबल इन योर ओरिजिनल स्टेज. मूल वतन लिटरली मीन्स द अबोर्ड ऑफ ओरिजिन. सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 3 जून 1967. आगे थोड़े ही जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है. यू डिंट नो अर्लियर व्हाट द सटल वर्ल्ड इज. अभी तो तुम जानते हो. नाउ यू सर्टनली नो कि वहाँ कैसे मूवी में बात चलती है. हाउ यू कम्युनिकेट थ्रू मूवी दैट इज जेस्टर्स देयर. मूवी बायोस्कोप भी देखो अभी निकला. लुक मूवी दैट इज बायोस्कोप हैज ऑल्सो कम अप नाउ. तो इससे तुमको समझाने में बहुत सहज हो जाता है. सो दिस मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन. साइलेंस मूवी और टाकी तुम सब बातें जान गए हो. साइलेंस मूवी एंड टॉकी दैट इज स्पीच. यू हैव कम टू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स. लक्ष्मी नारायण के राज से लेकर के यहाँ कलयुगी दुनिया तक का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में. द एंटायर नॉलेज From the kingdom of Lakshmi Narayan to the Iron Age world here is in your intellect. तो बाप बच्चों को समझाते हैं इस पुरानी दुनिया से अपना ममत्व मिटाए दो. So the father explains to the children, break your attachment for this old world. वानग्रस्त व्यवहार में रहो. You may live in the household. अपने बच्चों आदि को संभालो. You may take care of your children, etc. परंतु बुद्धि का योग बाप की तरफ रखो. But keep the connection of your intellect towards the father. कहते भी है कम कार्डे दिल यार्डे. It is also said कम कार्डे दिल यार्डे, meaning work with your hands and keep remembering the beloved in your heart. बुद्धि बाप की तरफ बनी रहे. Your intellect should stay engaged in the father. यही होना लगा हुआ है कि हम पावन कैसे बनेंगे. You just have the concern how you will become pure. बच्चों को खिलाना पिलाना स्नान आदि करवाना ये सब तो चलता रहता है. Feeding, bathing the children and so on, all this certainly keeps going on. 63 जन्म से चलता चला आया. It has been going on for 63 births. परंतु बुद्धि में बाप को याद करने की ट्रिक इस जन्म में ही सीखते हो. But you learn the trick of remembering the father in the intellect only in this birth. जानते हो. You know. कि 63 जन्मों का पापों का बोझ बुद्धि पर बहुत है. That there is a lot of burden of the sins of 63 births on the intellect. इसलिए बुद्धि बाप से लगी रही. दिस इज वाई द इंटेलेक्ट शुड स्टे एंगेज इन द फादर. ये बाप कितना बड़ा मासूक है. दिस फादर इज सच अ बिग बिलेवेड. मासूक बाप तो सभी आत्माओं को कहते हैं. द बिलेवेड फादर सेज टू ऑल द सोल्स कि मुझे याद करो. रिमेम्बर मी. ये पाठ जो अभी चल रहा है 5000 वर्ष के बाद चलेगा. दिस रोल दैट इज गोइंग ऑन नाउ विल बी प्लेड आफ्टर 5000 इयर्स. बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं. द फादर टेल्स यू सच एन इजी टैक्टिक. कोई तकलीफ भी नहीं देते हैं. ही डजंट गिव यू एनी ट्रबल ईदर. कोई कहे कि हम तो ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते. इफ समवन सेज I certainly can't make this purushart. हमको ये पुरुषार्थ करने में बहुत तकलीफ भासती है. I find it very difficult to make this purushart. ये याद की यात्रा हमारे लिए बहुत मुश्किल है. This journey of remembrance is very difficult for me. अरे अरे तुम अपने बाबा को याद नहीं कर सकते हो. Can't you remember your baba? अपने बाप को भूला थोड़ा ही जाता है. नो वन फॉरगेट्स हिज फादर. बाप को तो अच्छी रीति याद करना है. यू हैव टू रिमेम्बर द फादर नाइसली. जब अच्छी रीति याद करेंगे
When you remember him nicely, आप भी बिचारी याद करेंगे. When you remember him in an unadulterated way, तो पाप भस्म होंगे. It is then that your sins will be burned to ashes. नहीं तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे. Otherwise, the sinful actions won't be burned to ashes. साधारण याद से, मिक्स याद से पाप भस्म होने वाली नहीं है. Sins aren't going to be burned to ashes with ordinary and adulterated remembrance. पाप कहो, अनेक जन्मों की पापों की खाद कहो. All them sins or the impurities of sins of many births. जैसे सोने में खाद पड़ी हुई होती है. For example, if there are impurities in gold, तो तेज अग्नि में जब तक नहीं डाला जाएगा उसकी खाद निकलेगी नहीं. They won't come out until it is put in intense fire. तो भी ये याद की तीखी अग्नि है. Still, this is the intense fire of remembrance. तीव्र अग्नि में जब तक अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं बनावेंगे. Until you purify your soul in intense fire, तब तक खुशी नहीं प्राप्त हो सकती. You can't attain happiness. ठीक ही याद. Intense remembrance. सहज सहज याद नहीं. Not ordinary remembrance. Mix याद नहीं. Not adulterated remembrance. कभी एक बाप को याद किया. In which sometimes you remember the one father. बीच बीच में दूसरों को भी याद किया. एंड ऑल्सो रिमेम्बर अदर्स इन बिटवीन. जब जैसे आया तब तैसे बुद्धि को घुमा लिया. इन विच यू डाइवर्ट द इंटेलेक्ट हाउ एवर यू विश. नहीं. नो. लगातार निरंतर याद हो. यू शुड हैव कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस कंटिन्यूअसली. और वो निरंतर याद तब होगी जब बाप का पूरा परिचय बुद्धि में बैठा होगा. एंड यू विल हैव दैट व्हेन द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर इज सीटेड इन द इंटेलेक्ट. बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता. नोबडी एक्सेप्ट द फादर हिमसेल्फ कैन गिव हिज इंट्रोडक्शन. बाप खुद ही आकर के बाप के रूप में अपना परिचय देते हैं. The father himself comes and gives his introduction in the form of the father. पर बाप आते हैं. Though the father comes, तो पहले माता के रूप में पार्ट बजाते. माता के रूप में बच्चों को ऊपर ऊपर की नॉलेज देते हैं, मोटी मोटी बातें बताते हैं. He first plays a role in the form of a mother. He gives superficial knowledge to the children in the form of the mother. He tells them the general concepts. परंतु जैसे छोटे बच्चे होते हैं. But just like there are small children, तो माँ को ही पहचानते. They recognize only the mother. माँ को ही अपना सब कुछ समझते हैं. They consider the mother alone to be everything for them. उनकी बुद्धि में बाप की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या प्राप्ति होती है बाप से, वो नहीं बैठता. It doesn't sit in the intellect what the father's characteristic is, what his speciality is, what attainment they attain from him. फिर माँ ही बाप का परिचय दे बच्चों को देती है. Then the mother herself gives the introduction of the father to the children. वो लौकिक दुनिया की बात है. That is about the लौकिक world. यहाँ तो बाप बाप भी बनता है और माता का भी साथ साथ पार्ट बजाता है. उसे भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में याद किया जाता है.
Here the father becomes the father and simultaneously plays the role of the mother as well. He is remembered as Ardhanarishwar in the path of bhakti. माँ के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा भी एक ही चोले में प्रवेश करके पाठ बजाती है। The soul who plays the role in the form of the mother also plays a role entering the same body. एक ही चोला बाप की भी अनुभूति कराता है और माँ की भी अनुभूति कराता है। The same body makes you experience the role of the father as well as the mother. ऐसे नहीं कि धर्मराज के रूप में सीधी मार लगाता है। It isn't that he beats you directly in the form of Dharmaraj. पहले माँ के रूप में पूरा प्यार। He first gives complete love in the form of the mother. फिर जब बच्चे समझदार होते हैं, then when the children become wise, तो प्यार भी देता है और ज्ञान भी देता है। He gives them love as well as knowledge. कोई आत्माएं ज्ञान से उठती है और कोई आत्माएं प्यार से उठती है। जो प्यार के दीवाने हैं वो प्यार से उठ जाते हैं। जो बाप के ज्ञान के दीवाने हैं वो ज्ञान से उठ जाते हैं। सम सोल्स आर लिफ्टेड थ्रू नॉलेज व्हाइल सम आर लिफ्टेड थ्रू लव। Those who long for love are lifted through love. Those who long for the father's knowledge are lifted through the knowledge. परंतु बाप का कहना है मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। But the father says a knowledgeable soul is especially dear to me. प्यार करने वाले बच्चे भी प्रिय हैं। I like the children who love the father as well. परंतु प्यार वही अच्छा जिसमें बाप की पहचान भरी हुई हो। बाप को पूरा पहचाना नहीं है और बाप से बाप की पहचान नहीं मिली है तो माया बीच में इंटरफियर कर देती है। बट ओनली द लव इन विच द फादर्स इंट्रोडक्शन इज कंटेंट इज गुड। इफ यू हैवेंट रिकॉग्नाइज्ड द फादर कम्प्लीटली and haven't obtained the father's introduction from him, Maya interferes in between. Maya interfere karegi, to guruon ke chambe mein aa jayenge, pehchan nahi sakenge ki ye maya bhi roop hai. If she interferes, you will be trapped in the clutches of the gurus. You won't be able to recognize that this is an illusive form. और जब मायावी गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं तो बाप का ही मुकाबला करने लग पड़ते हैं। प्यार और बाप के धर्मराज रूप की मार एक है कानून और दूसरी तरफ है प्यार। एंड व्हेन यू आर मिसलेड बाय द इलूसिव गुरुज यू स्टार्ट कन्फ्रंटिंग द फादर हिमसेल्फ। वन इज लव एंड द अदर इज बीटिंग ऑफ द फादर इन द फॉर्म ऑफ धर्मराज। देयर इज लॉ ऑन वन साइड एंड लव ऑन द अदर। कानून भी कोई मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। नॉट इवन द लॉ मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों के कायदे कानून सब अधूरे हैं। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर इनकम्प्लीट। और ईश्वरीय कायदे कानून सब भरपूर हैं। व्हाइल ऑल द ईश्वरीय रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कम्प्लीट। एक भी कायदे कानून को और पक्का कोई पकड़ लेता है। इफ समवन फॉलोज इवन अ सिंगल लॉ फर्मली अपने जीवन में पक्का पक्का निर्वहन करता है। इफ ही असिमिलेट्स इट इन हिज लाइफ फर्मली तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ही कैन प्रोग्रेस अ लॉट। एक बात पक्की बता देते हैं। ही टेल्स यू वन थिंग फर्मली
इसमें प्यार भी भरा हुआ है और कायदा कानून भी भरा हुआ है। इन विच लव एज वेल एज लॉ इज कंटेन्ड। वो एक बात ही पक्की कर ले, इफ यू फॉलो जस्ट दैट वन थिंग फॉर्मली, तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं। यू कैन गो वेरी हाई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माइन इज ओनली वन शिव बाबा एंड नोबडी एल्स। ये एक पक्की प्रीति हो जाए, परंतु पहचान के। यू शुड हैव दिस वन फर्म अफेक्शन बट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिम। ऐसे नहीं कोई ने कह दिया ये भगवान बाप है। इट शुडंट बी दैट समवन सेड ही इज गॉड द फादर और हमने मान लिया एंड वी एक्सेप्टेड कि हाँ ये भगवान बाप है। सेइंग यस ही इज गॉड द फादर, आज मानेंगे कल कोई उखाड़ देगा। यू विल एक्सेप्ट इट टूडे एंड समवन विल अप्रूट योर फेथ टुमोरो। नहीं, नो, ज्ञान की दृष्टि देते हैं। He gives you the vision of knowledge. ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। He gives you the third eye of knowledge. ज्ञान कहा जाता है जानकारी को। Information is called knowledge. सच्चाई की जानकारी देते हैं। He gives you the information of truth. सत्य क्या है? As to what truth is. विदेशी लोग सत्य को ही भगवान मानते हैं। Foreigners consider truth itself to be God. सत्य बुद्धि से पहचानने की चीज है। Truth is something to be recognized through the intellect. सत्य और असत्य के बारे में हर एक आत्मा फैसला नहीं कर सकती। Not every soul can decide about truth and falsity. मनुष्य आत्माएं सत्य और असत्य, झूठ और सत्य का बंटवारा नहीं कर सकती। Human souls can't tell the difference between truth and falsity. भगवान बाप आकर के बताते हैं कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है। God the Father comes and tells you what is true and what is false. सच्चे युग की पहचान और झूठे युग की पहचान। The recognition of the true age and the false age. मनुष्यों के पास तो सतयुग की हिस्ट्री ही नहीं है। पीपल जस्ट डोंट हैव द हिस्ट्री ऑफ द गोल्डन एज। जब सत्य की हिस्ट्री ही नहीं है, व्हेन दे जस्ट डोंट हैव द हिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, तो वो सत्य को क्या बखान करेंगे? व्हाट विल दे एक्सप्लेन अबाउट इट? भगवान बाप आकर के बताते हैं। गॉड द फादर कम्स एंड टेल्स यू कि सच्ची दुनिया कौन सी थी और ये झूठी दुनिया कैसे है। विच द ट्रू वर्ल्ड वॉज एंड हाउ दिस वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड इज। झूठी दुनिया रावण की बनाई हुई दुनिया है। द फॉल्स वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय रावण। रावण अनेक सिरों वाला है। रावण इज द वन विथ मेनी हेड्स, इसलिए अनेक मतें देने वाला है। दिस इज वाई ही इज द वन हू गिव्स मेनी ओपिनियंस। अनेक मतों से बुद्धि विभ्रम में चली जाती है। द इंटेलेक्ट बिकम्स कंफ्यूज्ड विथ मेनी ओपिनियंस, भ्रमित हो जाती है। इट गेट्स मिसलेड। बाप आकर के भ्रमित हुई बुद्धियों को स्थिर कराता है। द फादर कम्स एंड स्टेबिलाइजेस द मिसलेड इंटेलेक्ट। ऐसा स्थिर कराता है कि 2500 वर्ष तक आत्मा आत्मिक रूप में स्थिर हो जाती है। He stabilizes them in such a way that the soul becomes stable in the form of the soul for 2500 years. स्थिरता की प्रैक्टिस के लिए पहली सीढ़ी बताता है। The first step he tells us for the practice of stability is कि तुम देह नहीं हो। You aren't a body. तुम ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा हो। You are a living point of light soul. ये प्रैक्टिस जितनी पक्की होती जाएगी, The extent to which this practice becomes firmer, उतना उतना बाप की पहचान में सहज होता जाएगा।
द रिकग्निशन ऑफ द फादर विल बिकम इजियर टू दैट एक्सटेंट. पहली सीढ़ी अगर पक्की नहीं हुई, इफ द फर्स्ट स्टेप हैजंट बिकम फर्म, तो बाप की पहचान भी अधूरी रह जाएगी. द रिकग्निशन ऑफ द फादर विल ऑल्सो बी इनकम्प्लीट इन योर इंटेलेक्ट. बाप की पहचान नहीं होगी. इफ यू डोंट हैव द रिकग्निशन ऑफ द फादर, तो बाप से प्रीति नहीं होगी. यू वोंट हैव लव फॉर द फादर, प्रीति पैदा नहीं होगी. तो माया भी मनुष्यों से प्रीति जुट जाएगी. इफ यू डोंट हैव लव फॉर द फादर, यू विल हैव लव फॉर द इलूसिव ह्यूमन बींग्स. विविचार ही याद आवेगी. एंड यू विल हैव अडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस. और विविचार आने से फिर रावण राज्य में गिरती है. एंड बिकॉज ऑफ बिकमिंग अडल्ट्रस यू फॉल इन द किंगडम ऑफ रावण अगेन. भगवान आते, व्हेन गॉड कम्स, तो बच्चों को सत्य की नॉलेज देते. He gives the knowledge of truth to the children. माया रावण भ्रमित करता है. माया रावण मिसलीड्स यू. जो माया के जितने जास्ती पंजे में आते हैं, उतना अपने लिए दुख की सृष्टि की शूटिंग करते हैं. Someone performs the shooting of the world of sorrow for himself to the extent he comes in the clutches of Maya. बार बार दुखों की सच्ची की शूटिंग करते हैं, बार बार देहधारी गुरुओं के चक्र में आते हैं. When someone performs the shooting of sorrow again and again, when he gets misled by the bodily gurus again and again, तो आत्मा को कितनी तकलीफ होती है. How much is the soul troubled? झूठ को पकड़ने की आदत पड़ जाती है. इट बिकम्स हैबिचुएटेड टू कैचिंग होल्ड ऑफ फॉल्सहुड. कोई बच्चे ऐसे हैं कि एक बार बाप को पहचान लेते हैं. सम चिल्ड्रन आर सच दैट इफ दे रिकॉग्नाइज द फादर वंस, तो अंत तक श्रीमत में बंधे रहते. दे स्टे बाउंड टू श्रीमत टिल द एंड. कोई दूसरी आत्माओं से कनेक्शन नहीं जोड़ते. They don't join connection with any other souls. आज से अंत तक अपनी शूटिंग को पक्का रखते. They keep their shooting firm from the beginning till the end. फिर भी ऐसा अहंकार कोई नहीं कर सकता. Still, nobody can have this ego. कि माया किसी को छोड़ देती है. Thinking, माया spares some souls. माया किसी को पछाड़ती नहीं है, पछाड़ नहीं सकती है. माया डजंट डिफीट सम सोल्स और शी कांट डिफीट देम. जो पक्के पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं, ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि उनको भी माया अंत में एक बार पछाड़ती जरूर है. ड्रामा इज प्री ऑर्डेन्ड इन सच अ वे that Maya certainly defeats even the firm Suryavanshi children at least once in the end. कोई पहले ही माया के चंबे में आ जाते हैं. Some are trapped in the clutches of Maya first. कोई मध्य में चंबे में आते हैं. Some are trapped in her clutches in the middle. कोई पहले भी चंबे में आते हैं, मध्य में भी चंबे में आते हैं और अंत में भी चंबे में आ जाते हैं. Some are trapped in her clutches first, in the middle, as well as in the end. कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पूर्व जन्म की प्रारब्ध ऐसी है, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ऐसा है. Some children are such whose rewards of the previous births are such, whose accounts of the previous births are such. कि श्रेष्ठ हीरो पाठधारी के साथ उन्होंने संबंध जोड़ा है. That they have formed a relationship with the elevated hero actor. और अनेक जन्मों तक संबंध जोड़ा है. And they have formed it with him for many births. तो अंतिम जन्म में वो प्रत्यक्ष हो जाता है. So it is revealed in the last birth. Part clear हो जाता है. Their part becomes clear. अन्य अन्य जो दूसरी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो भी अपने हिसाब को समझ लेती है. द अदर सोल्स हू कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर अकाउंट्स. अभी वो समय चल रहा है. दैट टाइम इज गोइंग ऑन नाउ.
जो जितना जितना देहधारियों में भ्रमित होता है और बाप को भूल जाता है वो उतना ही दुख में अपने को लपेट लेता है। Someone wraps himself in sorrow to the extent he becomes deluded by the bodily beings and forgets the father. कोई आत्माएं ऐसी है, Some souls are such, जो सतयुग त्रेता में तो सुखी रहती है, who indeed stay happy in the golden and the silver age, लेकिन द्वापर कलयुग में भी सुखों का हिस्सा बहुत बना लेती है। But they carve out a big share of happiness for themselves in the copper and the iron age too. ये सारी श्रीमत को पकड़ने की बात है। It is all about following श्रीमत। श्रीमत को पकड़ते हैं तो सुखी रहते हैं। If you follow श्रीमत, you stay happy. मनमत को पकड़ के चलते हैं, परमत को पकड़ के चलते हैं, तो दुखों की शूटिंग कर लेते हैं। If you follow the opinion of your own mind or the opinion of others, you perform the shooting of sorrow. अभी भागी बनाने और भागी को बिगाड़ने की युक्ति बाप से भी मिलती है और भागी बेड़ा बिगाड़ने की युक्ति रावण से भी मिलती है। Now you receive the tactic of making and spoiling your fortune from the father and the tactic of spoiling your fortune from Ravan as well. कोई रावण को अपना डायरेक्टर बनाते। Some make Ravan as their director. कोई राम को अपना डायरेक्टर बनाते हैं। While some make Ram as their director. एक को पकड़ा तो सदगति। If you follow the one, you attain सदगति। अनेकों को पकड़ा तो दुर्गति। इफ यू फॉलो मेनी यू अटेन दुर्गति। एक तारे और अनेक बोरे। वन टेक्स यू अक्रॉस व्हाइल मेनी ड्राउन यू। तारे माने पार लगाने वाला एक। तारे मीन्स देर इज वन हु टेक्स यू अक्रॉस। और डुबोने वाले अनेक। व्हाइल देर आर मेनी हु ड्राउन यू। विकर्म तब विनाश होंगे जब एक का रास्ता पकड़ेंगे। द रॉन्ग एक्शंस विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन यू फॉलो द पाथ शोन बाय वन। एक को पहचानेंगे एंड रिकॉग्नाइज द वन। अभी आकर के तुम हेल्दी बनते हो। नाउ यू कम एंड बिकम हेल्दी। कब बनेंगे? व्हेन विल यू बिकम दैट? जब एक में बुद्धि लगावेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। व्हेन यू एंगेज योर इंटेलेक्ट इन द वन, अदरवाइज यू वोंट बिकम दैट। तुमको राय बहुत अच्छी मिलती है और एक टिक राय मिलती है। यू रिसीव अ वेरी गुड एंड अनफेलिंग ओपिनियन। एक टक्के की दवाई होती है ना? देर आर इनफेलिबल मेडिसिन, aren't there? हम गारंटी करते हैं। आई गारंटी यू कि तुम योग बल से 21 जन्मों तक कब रोगी नहीं बनेंगे। That through yog bal you will never become diseased for 21 births. 21 जन्मों की गारंटी क्यों करते हैं? Why does he guarantee you for 21 births? 84 जन्मों की गारंटी क्यों नहीं करते? Why doesn't he guarantee you for 84 births? क्या कारण है? What is the reason? कारण यही है। The very reason is कि बाप जानते हैं, द फादर नोस, कि जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूँ, जस्ट लाइक आई एम ऑल माइटी, माया भी सर्वशक्तिवान है, माया इज ऑल्सो ऑल माइटी, जो मेरे अजीज बच्चे हैं उनको भी माया तोड़ लेती है। माया ब्रेक्स इवन माई डियर चिल्ड्रन फ्रॉम द नॉलेज। तो औरों की तो बात ही क्या? देन लीव अलोन द क्वेश्चन ऑफ अदर्स। फिर भी बाप कहते हैं, स्टिल द फादर सेज, सिर्फ मुझे याद करो, रिमेम्बर मी अलोन। ये बड़ी भारी युक्ति है। दिस इज अ वेरी बिग टैक्टिक। भक्ति मार्ग में याद करते थे, व्हेन यू रिमेम्बर्ड मी इन द पाथ ऑफ भक्ति, अनजान बन करके याद करते रहते थे। यू यूज्ड टू रिमेम्बर मी विदाउट नोइंग मी। अभी तो बाप
खुद बैठ करके समझाते हैं। नाउ द फादर हिमसेल्फ सिट्स एंड एक्सप्लेन्स। बैठ करके समझाते हैं अर्थात तो कोई में प्रवेश करते हैं। ही सिट्स एंड एक्सप्लेन्स मीन्स ही एंटर्स समवन। मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। ही एंटर्स द परमानेंट चैरियट। और मुकर्रर रथ के द्वारा समझाते हैं। एंड ही एक्सप्लेन्स थ्रू द परमानेंट चैरियट। कोई और के द्वारा श्रीमत नहीं देते। ही डजंट गिव श्रीमत थ्रू एनीबडी एल्स। एक के द्वारा ही श्रीमत देती है। ही गिव श्रीमत ओनली थ्रू द वन। तुम बच्चे कल पहले भी बाबा के पास आए थे। You children had come to Baba a kalpa ago as well. पुरुषार्थ करते थे। अभी तुमको पक्का निश्चय हो गया। You used to make पुरुषार्थ। Now you have firm faith. कि हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही राज्य गवाया। We ourselves used to rule, then we ourselves lost the sovereignty. अभी फिर बाबा आया हुआ है। Now Baba has come again. बाबा आया हुआ है तो हम उसे क्यों ना अनेक जन्मों का राज्य भाग ले लेवे। When Baba has come, why not obtain the share of kingship for many births from him? बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और अपनी प्राप्ति राजा ही को याद करो। The father says, remember me and your attainment, that is the kingship. ये प्राप्ति मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता। Nobody else except me can give this attainment. इसके लिए मंत्र देते हैं मनमना भव। He gives you मंत्र for this, मनमना भव। मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ। मैं जो संकल्प करता हूँ उसी संकल्प में रहो। Merge in the thoughts of my mind. Stay in the very thought that I have. वाइब्रेशन को बनाओ। क्रिएट द vibrations. एक वाइब्रेशन बनेगा तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। When uniform vibrations are formed, you will gain victory. अंत मते सुगति हो जाएगी। Your final thoughts will lead you to your destination. और हम सब मिलकर के अपने घर में चले जाएंगे। And we all will go home together. क्योंकि अभी ये नाटक पूरा होता है। It is because this play gets over now. बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। बाबा has come to take everyone along. जैसे बारात जाती है तो ब्राइड ग्रूम के पीछे पीछे सब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी वन फॉलोज द ब्राइड ग्रूम इन अ मैरिज पार्टी। ब्राइड समझती है कि हम ससुराल जाती हूँ। द ब्राइड थिंक्स आई गो टू माई इन लॉज। तुम सभी सीताएं हो। ऑल ऑफ यू आर सीतास। राम एक है और सीता एक तुम सब हो। राम इज वन एंड ऑल ऑफ यू आर सीतास। राम तुमको रावण की जेल से छुड़ा करके साथ ले जाते। राम लिबरेट्स यू फ्रॉम रावण्स प्रिजन एंड टेक्स यू अलोंग। ये छुड़ाने वाला लिबरेटर एक है और बाकी सब फंसने वाले हैं। द लिबरेटर हु लिबरेट्स यू इज वन एंड ऑल द रेस्ट आर द वंस हु गेट ट्रैप्ड। बाप आकर के इस शैतानी राज्य से लिबरेट करते हैं। द फादर कम्स एंड लिबरेट्स यू फ्रॉम दिस डिमोनिक किंगडम। कहते हैं ये शैतानी राज्य। He says, this is demonic kingdom. परंतु फिर भी यथार्थ रीति नहीं समझते हैं। बट यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट एक्यूरेटली। अनर्थ को ही पकड़ लेते हैं। यू जस्ट ग्रेस द रॉन्ग मीनिंग। अभी बच्चों को समझाया जाता है। नाउ द चिल्ड्रन आर एक्सप्लेन्ड। समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी दी जाती है। दे आर ऑल्सो गिवन मेनी वेरी गुड पॉइंट्स टू एक्सप्लेन। बाबा ने समझाया कि लिख दो कि विश्व पर शांति कल पहले मुआफिक की स्थापन हो रही है।
Baba has explained to you, right? Peace is being established in the world like it was in the previous kalpa. और ये विश्व शांति ब्रह्मा द्वारा स्थापन हो रही है. एंड दिस पीस इन द वर्ल्ड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड थ्रू ब्रह्मा. विश्व का राज्य था तो विश्व में शांति थी. देन देयर वाज द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, देयर वाज पीस इन द वर्ल्ड. जो विष्णु बनता है वो ही लक्ष्मी नारायण कहे जाते. दोज हू बिकम विष्णु देमसेल्व्स आर कॉल्ड लक्ष्मी नारायण. विष्णु को और लक्ष्मी नारायण को और राधा कृष्ण को भक्ति मार्ग में तो अलग अलग समझते हैं. पीपल सर्टनली कंसिडर विष्णु लक्ष्मी नारायण एंड राधा कृष्ण टू बी डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन द पाथ ऑफ भक्ति. परंतु अलग अलग है नहीं. बट दे आर इन डिफरेंट. अलग अलग तब है जब वो पुरुषार्थी है. दे आर डिफरेंट वेन दे आर पुरुषार्थी. संस्कार आपस में मिले हुए नहीं है तो अलग अलग है. वेन देयर संस्कार aren't harmonized, they are different. और पुरुषार्थ करते करते जब संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं. एंड वेन देयर संस्कार हार्मोनाइज एंड बिकम वन बाई मेकिंग पुरुषार्थ कंटिन्यूसली तो विष्णु रूप कहा जाता है. दे आर कॉल्ड द फॉर्म ऑफ विष्णु. अभी तुमने ये बात को समझा. नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम बनते हो. यू योर सेल्फ बिकम स्वदर्शन चक्रधारी. शिव बाबा आकर के षष्ठी चक्र का ज्ञान देते हैं. शिव बाबा कम्स एंड गिव्स द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा व्हील. उन द्वारा हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं. We too are becoming master ocean of knowledge through him. तुम ज्ञान नदियाँ हो ना. You are the rivers of knowledge, aren't you? ये नदियों के जो अलग अलग नाम है ये तुम बच्चों के ही नाम. These different names of the rivers are the names of you children alone. जैसा जैसा जिसने काम किया वैसा वैसा उनका नाम पड़ा. As is the task someone performed, so are the names given to them. भक्ति मार्ग में उन नदियों में कितना स्नान करते हैं. People bathe so much in those rivers in the path of bhakti. और क्या क्या पंडे पुजारियों की मत पर घंटे घंटे करते रहते हैं. And what all rituals they keep performing on the opinion of the pandits and priests. बहुत दान पुण्य आदि करते हैं. They make a lot of donations, do noble deeds, etc. साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं. The rich make a lot of donations. सोना भी दान में देते हैं. They donate gold as well. और कितना भटकते हैं. And they wander so much. संन्यास धर्म वालों को जाकर के गुरु बनाए लेते हैं. दे गो एंड मेक द वंस बिलोंगिंग टू द संन्यास रिलीजन देयर गुरुस. अब बाप बताते हैं. नाउ द फादर टेल्स यू. तुम्हें इन्हें हठ योगियों के चंबे में नहीं फंसना. यू शुडंट गेट ट्रैप्ड इन द क्लचेस ऑफ दिस हठ योगीज. अभी हम कोई हठ योगी नहीं है. वी आरंट हठ योगीज नाउ. हम तो राजयोगी हैं. वी आर इन फैक्ट राजयोगीज. राज को हमने समझ लिया है. वी हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट. तुम पहले भी पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे. यू बिलोंग टू द प्योर हाउसहोल्ड आश्रम अर्लियर टू. फिर रावण राज्य में आकर के अपवित्र बन गए. देन यू बिकेम इम्प्योर बाय कमिंग इन द किंगडम ऑफ रावण. ड्रामा अनुसार फिर बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम बना रहे हैं. Baba is establishing the pure household ashram again according to the drama. ये पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना बाप के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता. Nobody else except the father can establish this pure household ashram at all. सब हठ योगी है. Everyone is a हठ योगी. तो गृहस्थी की निंदा करते हैं. गृहस्थियों से घृणा करते हैं. So they defame the householders. They hate the householders. वो तो खुद घरबार को छोड़ जाते हैं. They themselves leave the house and family. तो जो खुद घरबार को छोड़ जाते हैं
उनसे पूछना चाहिए। सो यू शुड आस्क दोज़ हू देमसेल्व्स लीव देयर हाउस एंड फैमिली। आपने ग्रहण क्यों किया फिर छोड़ा क्यों? व्हाई डिड यू फर्स्ट अडॉप्ट द हाउस होल्ड लाइफ एंड देन लीव इट? कहते पीपल से दरबार ग्रहण नहीं करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? इफ यू डोंट अडॉप्ट द हाउस होल्ड लाइफ हाउ विल दिस वर्ल्ड रन? अब तुमको तो देखो क्या क्या पूछते रहते हैं। नाउ लुक व्हाट ऑल दे कीप आस्किंग यू। कितना प्रश्नोत्तर करते हैं क्योंकि वो तो पुराने हो गए हैं। दे कीप आस्किंग यू सो मेनी क्वेश्चंस। इट इज बिकॉज दे हैव बिकम ओल्ड। और सृष्टि इतनी बढ़ गई है। एंड द वर्ल्ड हैज एक्सपेंडेड सो मच। देखा जाए तो खाने के लिए अनाज भी नहीं है। एक्चुअली देर आर नो फूड ग्रेन्स फॉर पीपल टू ईट। सड़ा गला कीड़ों वाला अनाज मिल रहा है। द फूड ग्रेन्स दैट यू आर गेटिंग आर रॉटन एंड वर्म इन्फेस्टेड। तो कीड़ों में से सस्ती बढ़ती रहेगी ना? सो द वर्ल्ड विल कीप एक्सपेंडिंग लाइक वर्म्स वोंट इट? शंकराचार्य जिसने कहा कि चार चार शादियां करो। शंकराचार्य हु सेड मैरी फोर टाइम्स। क्योंकि विदेशी धर्मों में अनेक शादियां करते हैं तो कितनी जनरेशन बढ़ गई है। तो उन शंकराचार्यों की टीका करनी चाहिए। बिकॉज द जनरेशन दैट इज पॉपुलेशन इन द फॉरेन रिलीजन्स हैज इंक्रीज्ड अ लॉट एज दे मैरी मेनी टाइम्स। सो यू शुड कमेंट ऑन व्हाट दोस शंकराचार्यास से। 3 जून 1967 की वाणी का तीसरा पेज। थर्ड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 3 जून 1967। अरे तुम सन्यासी शंकराचार्य होकर के कहते हो कि जैसे मुसलमान चार शादियां करते हैं वैसे ही हिंदुओं को भी करनी चाहिए। तो हिंदुओं की संख्या बढ़ जावे। अरे यू डिस्पाइट बींग शंकराचार्य अ सन्यासी से जस्ट लाइक द मुस्लिम्स मैरी फोर टाइम्स द हिंदू शुड ऑल्सो डू द सेम सो दैट द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुसलमान बहुत हो जाएंगे। इफ यू डोंट डू दैट द मुस्लिम्स विल ग्रो अ लॉट इन नंबर्स। और उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो तुमको जीत लेंगे। एंड इफ देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस दे विल गेन विक्ट्री ओवर यू। क्या संख्या बढ़ाने से ही जीत होती है? Does someone gain victory just by increasing the population? उनको शुद्ध रखना जरूरी है या संख्या बढ़ानी जरूरी है? Is it necessary to keep the blood pure or increase the population? एक शेर सारे जंगल के जानवरों को कंट्रोल कर लेता है। A lion controls all the animals in a forest. हिस्ट्री में मिसाल मौजूद है। There is an example in history. शिवाजी के मुट्ठी भर सिपाही और औरंगजेब की लाखों की तादाद की सेना। There are handful of soldiers of Shivaji on one side and Aurangzeb's army numbering lakhs of soldiers on the other side. और इतना बड़ा सम्राट शिवाजी से हार मान गया, कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। एंड सच अ बिग एम्परर लॉस्ट टू शिवाजी, ही कुडंट हार्म हिम दैट इज शिवाजी एट ऑल। तो संख्या बढ़ाने से जीत होगी? या खून शुद्ध रखने से जीत होगी? सो विल यू गेन विक्ट्री बाय इंक्रीजिंग योर नंबर और बाय कीपिंग द ब्लड प्योर? बाप भी आकर के यही बात समझाते हैं। द फादर ऑल्सो कम्स एंड एक्सप्लेन्स द सेम। बच्चे चिल्ड्रन वो तो स्थूल खून होता है। दैट इज द फिजिकल ब्लड। तुम्हारा ये संकल्पों का सूक्ष्म खून। योर्स इज द सटल ब्लड ऑफ थॉट्स। एक के चलाए जो तुम्हारे बुद्धि में संकल्प चलेंगे। इफ द थॉट्स जनरेटेड बाय द वन रन इन योर इंटेलेक्ट। एक ही बुद्धि के आधार पर संकल्प चलेंगे।
इफ यू जनरेट थॉट्स अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्ट ऑफ द वन, माना तुम मन मना भाव हो करके रहेंगे, दैट इज इफ यू स्टे मन मना भाव, तो तुम्हारा शुद्ध खून बनेगा, योर ब्लड विल बिकम प्योर, उस शुद्ध खून से जो भी तुम पैदाइश करेंगे वो पक्की पक्की सूर्यवंशी पैदाइश होगी। Whoever you give birth to from that pure blood will be the firm Suryavanshi progeny. अगर खून में मिश्रती करते रहे, परमत की मनमत की मिश्रती करते रहे, if you keep mixing the opinion of others or the opinion of your own mind in the blood, तो generation तो बढ़ेगी, लेकिन खून शुद्ध न होने के कारण, सच्चाई सफाई न होने के कारण उनमें वो शक्ति नहीं होगी जो ईश्वरीय शक्ति कही जाती है। द जनरेशन दैट इज पॉपुलेशन विल सर्टनली इंक्रीज, बट ड्यू टू नॉट हैविंग प्योर ब्लड, ड्यू टू नॉट बींग ट्रू एंड क्लीन हार्टेड, दे वोंट हैव दैट पावर विच इज कॉल्ड द ईश्वरीय पावर। तो ऐसे ऐसे शंकराचार्य जो नॉनसेंस बातें करते हैं उनको लिखना चाहिए। सो यू शुड राइट टू सच शंकराचार्यस हु स्पीक नॉनसेंस, कि तुम ऐसे पवित्र आदमी हो करके और क्या क्या बोलते रहते हो। डिस्पाइट बीइंग सच ए प्योर पर्सन व्हाट डू यू कीप सेइंग, पहले तो तुम खुद चार शादियां करो। First yourself marry 4 times. चार शादियां करके दिखाओ, तब अपने फॉलोअर्स को ये रास्ता बताओ। Set an example by marrying 4 times, then show this path to your followers. समझाना चाहिए। You should explain to them. जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख करके और भी करेंगे। Whatever actions we perform, others will see us and do the same. तो शंकराचार्य पहले स्वयं ही वो कर्म करके क्यों नहीं दिखाते? सो व्हाई डोंट शंकराचार्यस देमसेल्व्स परफॉर्म दैट एक्शन एंड सेट एन एग्जांपल फर्स्ट? दूसरों को उल्टा रास्ता क्यों बताते हैं? व्हाई डू दे शो अदर्स द रॉन्ग पाथ? चार शादी करके बच्चे पैदा करके दिखावे? दे शुड सेट एन एग्जांपल बाय मैरिंग 4 times एंड गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। चार शादी करेंगे तो बच्चे भी चौगुने पैदा करेंगे। इफ दे मैरी 4 times दे विल ऑल्सो गिव बर्थ टू 4 times मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिर उनको देख करके फॉलोअर्स भी करेंगे। देन देयर फॉलोअर्स विल ऑल्सो सी देम एंड डू द सेम। परंतु बच्चे ऐसी बातें लिखते कहाँ हैं? बट द चिल्ड्रन डोंट राइट सच थिंग्स। बच्चे तो बहुत डरपोक हैं। चिल्ड्रन आर वेरी कॉवर्ड। अखबार वालों से दोस्ती रखनी पड़े। यू नीड टू मेक फ्रेंड्स विद द न्यूज़पेपर एडिटर्स। समझाना पड़ता है। यू नीड टू एक्सप्लेन द नॉलेज टू देम। अखबार वालों की बुद्धि में बैठे। इफ द नॉलेज सिट्स इन देयर इंटेलेक्ट तो वो बुद्धि अपने आप चलावेंगे। दे देमसेल्व्स विल यूज देयर इंटेलेक्ट, अखबार में डालेंगे एंड पब्लिश इट इन द न्यूज पेपर। सीसी 108 गुरु जी ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं। श्री श्री 108 गुरु जी गिव सच टीचिंग। तो बहुत समझाने की मार्जिन है। यू हैव अ वाइड मार्जिन टू एक्सप्लेन। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो सब जान गए हो। यू आर ब्रह्मा कुमार कुमारी सो यू हैव कम टू नो एवरीथिंग। उन शंकराचार्यों को पत्र भी गया हुआ है। अ लेटर हैज ऑल्सो बीन सेंट टू दोज शंकराचार्यस। परंतु वो कोई समझते थोड़े ही है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल। जज को भी लिखा था। यू हैड ऑल्सो रिटन अ लेटर टू द जज। ये जो आप कसम दिलवाते हो, जिस गीता की तुम कसम धरवाते हो, वो गीता तो झूठी है। The Gita on which you make people swear is false. ये गीता किसकी गाई हुई है? Who has sung this Gita? गीता में तो कृष्ण को बिठाई दिया है।
और कृष्ण तो साकार है। दे हैव शोन कृष्ण इन द गीता एंड कृष्ण इज कॉर्पोरियल। जो कृष्ण साकार है, देह अभिमानी है, वो नीचे गएगा या ऊपर उठेगा? विल द कॉर्पोरियल एंड बॉडी कॉन्शियस कृष्ण फॉल और राइज? देह समझने से नीचे गिरते हैं। यू फॉल बाय कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ बॉडी। आत्मा समझने से ऊपर उठते हैं। यू राइज बाय कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ सोल। तुम तो अभी आत्मा अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा बाप का भी तुमको भान है। Now you become soul conscious and you also have the consciousness of the Supreme Soul Father. तो तुम्हारी तो सदा ही चढ़ती कला है। So you always have ascending celestial degrees. देवताओं को तो बाप का ज्ञान ही नहीं होगा। Deities just won't have the knowledge of the Father. वो तो कह देते हैं कि परमात्मा हाजिर नाजिर है। People say the Supreme Soul is Hazir Nazir, meaning to be present and in front of the eyes. Court mein bhi bulwate hain. They make people swear in the court as well. Jhooti kasam darwate hain. Geeta par haath rakhwate hain. Kasam dilwate hain ki Bhagwan ko Hazir Nazir samajh karke main kehta hoon. They make them take false oath. They make them place their hand over the Gita and take the oath saying, I speak considering God to be present before me. परंतु हाजिर और नाजिर का अर्थ नहीं समझते। But they don't understand the meaning of हाजिर and नाजिर. नाजिर का अर्थ क्या है? What is the meaning of नाजिर? नाजिर माने नजर के सामने। नाजिर means to be present before the eyes. हाजिर माने प्रेजेंट। हाजिर मीन्स बीइंग प्रेजेंट। प्रैक्टिकल में प्रेजेंट कहाँ है? वेयर इज ही प्रेजेंट इन प्रैक्टिस? अभी तुम बच्चे समझते हो। नाउ यू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि अभी बाप हाजिर भी है और नाजिर भी है। नाउ द फादर इज हाजिर एज वेल एज नाजिर। परंतु कोई भी इन आंखों से बाप को नहीं देख सकता जब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र न मिले। But nobody can see the father with these eyes until he receives the third eye of knowledge. बुद्धि जानती है। The intellect knows. कि बाबा हमको इस साकार रथ के द्वारा पढ़ाए रहे। बाबा is teaching us through this corporeal body. अभी बाबा हमारे सामने हाजिर भी है और नाजिर अर्थात नजरों के सामने भी है। Now Baba is hazir before us as well as nazir, that is present before the eyes. तो तुम बच्चे ऐसे ऐसे लेटर्स लिख सकते हो। So you children can write such letters. आपस में मिलकर के एक कमेटी बनानी चाहिए। You should form a committee amongst yourselves. जो लिखा पढ़ी कर सके। Which can do the writing work. विश्व शांति के लिए भी बताओ कि विश्व पर शांति एक बाप ही कर सकता है। जो शांति का दाता है। As regards world peace too, tell them, the one father alone who is the giver of peace can establish peace in the world. मनुष्य सब अशांत है। All human beings are restless. जो खुद ही अशांत है वो दुनिया में अशांति ही फैलावेंगे। The one who himself is restless will certainly spread unrest in the world. चाहे कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। No matter how many conferences etc. they keep holding, they are going to be of no use at all. अभी बाप विश्व पर शांति करवाए रहे हैं। Now the father is having peace established in the world. इसके कारण ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। Because of this very reason, the destruction of the old world is standing in front of us.
शांति का एक भी संगठन पक्का बन जाएगा। ब्राह्मणों का ऐसा किला बन जाएगा। इफ इवन वन गैदरिंग ऑफ पीस बिकम्स फर्मली रेडी सच अ फोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। कि एक भी विकारी उसमें प्रवेश न कर सके। दैट नॉट इवन ए सिंगल विशेष वन विल बी एबल टू एंटर इट। तो अशांति की दुनिया का विनाश स्वतः ही होने लगेगा। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ अनरेस्ट विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस ऑटोमेटिकली। 5000 वर्ष पहले भी ये विनाश हुआ था। दिस डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस 5000 ईयर्स अगो टू। जबकि स्थापना भी हुई थी। When the establishment took place, अभी भी विनाश सामने खड़ा हुआ है। Destruction is standing ahead now as well. तुम बच्चों की स्थापना हो जाएगी। When the establishment of you children takes place, तो दुनिया में विनाश हो जाएगा। The destruction in the world will take place. तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें बैठी हुई। All these topics have sat in the intellect of you children. कि सारे विश्व पर शांति थी। There was peace in the entire world. एक भारत खंड के सिवाय कोई दूसरा खंड नहीं था। There was no other land except the land of Bharat. सब गर्त में समाये गए थे। All the lands were submerged in the depth of the ocean. अविनाशी खंड भारत ही बचा था। Only the imperishable land Bharat was left. क्यों बचा था? Why was only Bharat left? क्योंकि जो पक्के भारतवासी थे उन्होंने बाप को पहचाना। इट इज बिकॉज द फर्म भारतवासी रिकॉग्नाइज द फादर। सत्य बाप को पहचाना और सचखंड की स्थापना में सहयोगी बने। दे रिकॉग्नाइज द ट्रू फादर एंड बिकेम हेल्पर्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लैंड ऑफ ट्रूथ। भारत में ही ये स्थापना हुई थी। दिस एस्टैब्लिशमेंट टुक प्लेस ओनली इन भारत। और सब धर्म खंडों का विनाश हुआ था। ऑल द अदर रिलीजियस लैंड्स वर डिस्ट्रॉयड। अभी तो देखो कितने खंड हैं। लुक देयर आर सो मेनी लैंड्स नाउ। कोई कोई कहते भी हैं कि भगवान कहीं न कहीं जरूर होगा। सम ऑल्सो से गॉड विल सर्टेनली बी प्रेजेंट समवेयर और द अदर। परंतु भगवान कौन है, किसमें कार्य कर रहा है, ये बिचारी नहीं जानते। बट द पुअर वंस डोंट नो हु गॉड इज इन होम ही इज वर्किंग। अब भगवान कृष्ण तो हो नहीं सकता। नाउ कृष्ण सर्टेनली कांट बी गॉड। तुम अभी बैठे हो झूठ सुनाने वालों को पकड़ने के लिए। नाउ यू आर सिटिंग टू कैच द वंस हु नरेट फॉल्स कॉन्सेप्ट्स। परंतु बाप कहते हैं। बट द फादर सेज उनकी तुम पकड़ तब कर सकेंगे। यू विल बी एबल टू कैच देम जब तुम झूठ को सुनना बंद करेंगे। वेन यू स्टॉप लिसनिंग टू फॉल्स कॉन्सेप्ट्स। नहीं तो तुम खुद ही झूठों के चंबे में आ जाते हो। एक बाप से सुनना है। अदरवाइज यू योरसेल्फ आर ट्रैप्ड इन द क्लचेस ऑफ फॉल्स पीपल। यू शुड लिसन टू द वन फादर। एक से सुनेंगे तो अभी विचारी ज्ञान होगा। इफ यू लिसन फ्रॉम द वन इट विल बी अनअडल्ट्रेटेड नॉलेज। अनेकों से सुनेंगे तो भी विचारी ज्ञान हो जाएगा। इफ यू लिसन फ्रॉम मेनी द नॉलेज विल बिकम अडल्ट्रेटेड। बाप तो मोस्ट बिलेवर्ड है। द फादर इज द मोस्ट बिलेवर्ड। उनसे वर्षा मिलता है। यू ऑब्टेन द इनहेरिटेंस फ्रॉम हिम। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। Only the father establishes heaven. क्योंकि बाप ही सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला है। Because he alone is the one who always stays stabilized in the stage of the self. और जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब देह की स्थिति में स्थित होने वाले हैं। All other human beings are the ones who stay stabilized in the stage of the body. करके इस कलयुग के अंत में मनुष्य मात्र देह अभिमानी बन जाते हैं। एवरी ह्यूमन बींग बिकम्स बॉडी कॉन्शियस स्पेशली इन द एंड ऑफ दिस आयरन एज। आत्म
आत्मा अभिमानी बनते हैं तो सुखी बनते हैं, देवता बनते हैं। When you become soul conscious, you become happy, you become a deity. देह अभिमानी बनते हैं तो दुखी बनते हैं, राक्षसी स्वभाव के बन जाते हैं। When you become body conscious, you become sad, you become the ones with a demonic nature. मनुष्य आत्माएं सब दुर्गति की ओर जाने वाली है। All human souls are the ones who go towards degradation. एक बाप ही है जो कभी दुर्गति में नहीं जाता। इट इज ओनली द वन फादर हु नेवर अंडरगोस डिग्रेडेशन। वो दुष्ट गति पकड़ता ही नहीं। ही डजंट अटेन अ विकेट फेट एट ऑल। मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो भी जो कर्म करता है सत्य कर्म करता है। इवन व्हेन ही एंटर्स द परमानेंट चैरियट, व्हाटएवर एक्शन ही परफॉर्म्स इज ट्रू। इसलिए सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य है, वो सी भी सत्य है। दिस इज बाय द सिख्स से ऐसी भी सत्य ओ सी भी सत्य, मीनिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इज ट्रू एंड व्हाटएवर विल हैपन इज आल्सो ट्रू। सत्य पहले था, ट्रूथ एग्जिस्टेड अर्लियर, सत्य अभी है, इट एग्जिस्ट टूडे, और सत्य अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। एंड इट विल बी रिवील्ड इन द एंड एज वेल। वो एक ही भगवान के लिए बोलते हैं परंतु जानते नहीं। दे से इट ओनली फॉर वन गॉड बट डोंट नो हिम। तुम तो जान गए हो, यू हैव सर्टेनली नोन हिम। तो जो सच्चाई तुमको मिली है वो औरों को देते रहो। सो द ट्रूथ दैट यू हैव फाउंड कीप गिविंग इट टू अदर्स टू। संसार में जब ये सच्चाई फैल जाएगी, व्हेन दिस ट्रूथ स्प्रेड्स इन द वर्ल्ड, तो झूठ खंड का विनाश हो जाएगा। द लैंड ऑफ फॉल्सहुड विल बी डिस्ट्रॉयड, और अविनाशी सत्य खंड की स्थापना हो जाएगी। एंड द इम्पेरिशेबल लैंड ऑफ ट्रूथ विल बी एस्टैब्लिश्ड। बाप अपने घर में वापस चले जाएंगे। द फादर विल रिटर्न टू हिज अबोर्ड। तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। When your task is finished, बाप का काम पूरा हो जाएगा। When the father's task is finished, फिर बाप इस सृष्टि पर रह करके क्या करेंगे? What will the father do staying in this world? अभी बहुत थोड़ा समय बचा हुआ। Very little time is left now. समय की वैल्यू अभी अंत में बढ़ती जाती है। The value of time keeps increasing in the end now. धन की वैल्यू नहीं है। Money doesn't have that much value. तन की भी उतनी वैल्यू नहीं है। The body doesn't have that much value either. अभी समय की वैल्यू है। Time is valuable now. अभी समय का सदुपयोग नहीं किया। If you don't utilize time now, सत्य बाप के कार्य में नहीं लगाया। If you don't devote it in the true father's task, तो बाद में पश्चाताप के भागीदार बनेंगे। You will repent later on. ओम शांति। ओम शांति।